तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रिक सेल जिसको हम कहते हैं, उसमें होता क्या है, एक बेसिकली एक सल्यूशन होता है आपका, और सल्यूशन नॉर्मली एसिड लिया जाता है, H2SO4 को लेते हैं आप। अब इसके अंदर आप जो है दो डायोड इमर्स करते हैं। आपकी बुक में आप देखिएगा तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कहा है। बेसिकली आपकी कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए ऐसा कहा गया है। हर लगे एक जो होता है आपका, एक एनोड और एक कैथोड होता है। एक को जिंक ले लेते हैं आप और एक कॉपर का ले लेते हैं। इस पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और अगर इसका पोटेंशियल आप V1 मान लें, इसका पोटेंशियल V2 मान लें, ऑब्वियसली V1 विल बी पॉजिटिव एंड V2 विल बी नेगेटिव, देन द नेट पोटेंशियल विल बी V1 माइनस V2, एंड V2 इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो इट विल बिकम V1 प्लस V2। आपकी बुक में इसको V प्लस प्लस V माइनस कहा गया है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव रोड एंड पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव रोड। ओके, तो ये जो पोटेंशियल होता है, ये जो डेवलप हो जाता है इसकी वजह से, जब आप इसमें बाहर से कोई रेजिस्टेंस सप्लाई करते हो ऐसे, और आपने कोई रेजिस्टेंस आर लगाया, तो चूंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, तो चार्जेस विल गोइंग टू फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाएगा। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका सेम होता तो चार्ज फ्लो नहीं होते, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक पोटेंशियल हायर है, एक पोटेंशियल लोअर है, तो इनकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल मेंटेन हो जाता है। और जब चूंकि चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होने लगते हैं भाई, यहाँ से इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक करंट बन जाएगा, एक अब चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो आपका करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है वो चीज़। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन हो जाएगा, और जब तक ये पूरी रॉड डिकम्पोज नहीं हो जाती तब तक वो फ्लो मेंटेन रहेगा। इसको हम कहते हैं ये एक इलेक्ट्रिक सेल का काम कर रही है। बेसिकली सेल जो होती है वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ स्टेडी करंट देती है, यानी कि आप उससे एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम तक उससे एक आप कंटिन्यूसली सप्लाई ले सकते हैं सेल की। तो सेल जो होती है आपकी, वो बेसिकली सिम्बॉलिकली जो रिप्रेजेंट की जाती है वो इस तरह से की जाती है, ये इसका पॉजिटिव होता है, ये इसका नेगेटिव होता है। अगर आपका यहाँ पर करंट मान लीजिए आई फ्लो होता हो, तो जब ये करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका ये जो है, यहाँ पर क्या कहा है आपने इसको, सल्यूशन कहा है, इस सल्यूशन के अंदर से फ्लो होकर ये एक पूरा क्लोज लूप बना रहा है, क्योंकि अगर बीच में सल्यूशन नहीं होता तो करंट जो है फ्लो ही नहीं हो सकता था भैया, कोई बीच में मीडियम चाहिए ना उसको। तो इसका मतलब ये है कि इस सल्यूशन के अंदर भी जो करंट रहेगा वो आई ही रहेगा। अच्छा, अब चूंकि हर मटेरियल के पास रेजिस्टेंस होता है भाई, इस मटेरियल का जो कि जिसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड कहा है, बेसिकली इसमें भी बाद में रिएक्शन होगी तो ZnSO4 बन जाएगा और जिंक सल्फाइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन के जो आयंस हैं वो अलग होकर चले जाएंगे। वो एक केमिकल प्रोसेस है, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ही हमें उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इसको देखें कि यहाँ पर एक करंट मेंटेन्ड होगा, और इस मटेरियल का दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं सुपर कंडक्टर के अलावा, हर किसी के पास रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड या जिंक सल्फाइड का भी जो है आपका कोई ना कोई रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। वो रेजिस्टेंस जब इस करंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपको वोल्टेज देगा, पोटेंशियल देगा वो आपको। तो इसका मतलब ये है कि बाहर जो आपको पोटेंशियल मिला है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V=IR, इस ये पूरा पोटेंशियल नहीं है, कुछ पोटेंशियल तो आपकी सेल के अंदर ही वेस्ट हो गया है। ओके, अगर आप बाहर से कोई रेजिस्टेंस ना अप्लाई करें, या आप मान लीजिए इस आर की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाए, अज्यूम करिए कि R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इट इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, देन योर करंट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी जीरो, बिकॉज योर R इज इन्फिनिटी, तो योर करंट विल बी जीरो। जब यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उस केस में जो इनका पोटेंशियल होगा आप उसको EMF कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है आपका, ये आपका EMF है। EMF की फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके टर्मिनोलॉजी से ऐसा लगता है कि ये एक फोर्स है, लेकिन ये एक मिसलीडिंग टर्म है, ये फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है, बिकॉज पोटेंशियल इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली आपका जो EMF होता है वो आपका पोटेंशियल होता है। लेकिन जब बाहर से कोई आप सर्किट कनेक्ट कर दो, मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिटी ना होकर कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो उस केस में यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होगा और कुछ करंट यहाँ पर फ्लो होगा। इन दैट केस आपका पोटेंशियल कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल आपका बाहर बचेगा दैट विल बी इक्वल टू IR।
भाई ये वो है जो अंदर ही वेस्ट हो गया था, ये ई तब था जब बाहर कोई वेस्टेज ही नहीं था आपका। तो इसका मतलब ये, आप इसको सिंपल वर्ड में इस तरह से समझें, ईएमएफ जो होता है वो सेल का पोटेंशियल तब होता है जब वो किसी के साथ कनेक्टेड ना हो, तो उस केस में आपका ईएमएफ और वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जब आपकी सेल किसी सर्किट में कनेक्ट हो जाती है तो वहाँ से कुछ करंट फ्लो होता है, और चूंकि सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो होता है, तो इतना पोटेंशियल सेल के अंदर ही आपका ड्रॉप हो जाता है। तो जो बाहर पोटेंशियल मिलता है वो इसमें से इसको माइनस करके मिलता है। इन दैट केस योर पोटेंशियल इज नॉट गोइंग टू इक्वल टू द EMF। लेकिन अगर आपकी सेल फ्री स्टेट में है, यानी कि कनेक्टेड नहीं है किसी सर्किट के साथ, इन दैट केस योर पोटेंशियल एंड EMF आर द सेम क्वांटिटीज। आप इसको यहाँ से ये कह सकते हो कि IR विल बी इक्वल टू ई माइनस वी, इन दोनों को रीअरेंज कर लीजिए, इन दैट केस I विल बी इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर। ओके, एंड इसको एक लिखने का तरीका ये भी है, बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, दिस इम्प्लाइज दैट V की वैल्यू होती है कैपिटल I स्मॉल I इंटू कैपिटल R, ये बाहर वाला रेजिस्टेंस हो गया, एंड इट विल बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, और यू कैन से IR उसको इधर ले आइए, प्लस IR इज इक्वल टू E, दिस इम्प्लाइज दैट I विल बी इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। तो सेल से जो करंट मिलता है, अगर सेल का खुद का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो आपको ज़्यादा करंट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी भी सेल को आप ले लीजिए, कोई कितनी भी आइडियल सेल क्यों ना हो, उसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। तो जो आपको नेट करंट मिलता है वो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस और बाहर जो आपने रेजिस्टेंस लगाया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो होगी सेल के बारे में बात। अब जो है, जिस तरह से हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया था सीरीज़ और पैरेलल में, उसके बाद आपने 10th क्लास में पढ़ा था रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ और पैरेलल में, ठीक इसी तरह से आप जो है सेल को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो सेल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है ये आप देख लीजिए। तो जो हमारा टॉपिक है अगला, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है हमारी सेल का, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब वही है, बैक टू बैक आपके सेल कनेक्टेड हैं। तो फॉर सिंपलिसिटी हमने दो सेल मान ली है, एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, एक दूसरी सेल है इसका ईएमएफ E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल जो है वो V2 है। चूँकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं इसलिए दोनों में करंट सेम रहेगा। अब आप करना क्या चाहते हैं, आपको जब कॉम्बिनेशन देखना होता है तो आप क्या करते हैं कि भाई इन सबको मिला के अगर एक सिंगल वैल्यू ली जाए तो कितनी होगी। तो मान लीजिए इन दोनों सेल को कंबाइंड करके एक सेल बनाई जाती है और उस सेल का इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है वो ई इक्विवेलेंट है और इन दोनों का जो कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है। यानी कि इस सर्किट को आपको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है और आपको वैल्यू पता लगानी है कि ये कितना होगा, ई इक्विवेलेंट कितना होगा और आर इक्विवेलेंट कितना होगा। यही करते भी हैं हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट यहाँ भी आई है और करंट वहाँ भी आई ही है। तो हम जानते हैं, मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया, वी इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट सेल विल बी इक्वल टू E1 माइनस आई आर वन, करंट सेम है, एंड पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड सेल विल बी इक्वल टू E2 माइनस आई आर टू। देयरफॉर द नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, सो इट विल बी E1 प्लस E2 माइनस आई आर वन प्लस R2। इन दोनों में से आई कॉमन आ जाएगा। Therefore, the equivalent can be written as E equivalent minus IR equivalent. भाई इन दोनों को combined करके भी तो potential V ही रहेगा, तो इस combined cell का जो आपका potential है वो हो गया V and it is equal to E equivalent minus R equivalent. यानी कि इन दोनों का जो sum आया है वो ये है, sum क्या, इनका resultant जो आया है। तो अगर आप इन दोनों equations को compare करें, you will get E equivalent will be equal to E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट यू विल गेट R1 प्लस R2। कॉमन सेंस भी यही डिक्टेट करती है। आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस को लगाया जाता था तो उनका जो रिजल्टेंट आता था उनका सम आता था। देखिए यहाँ पर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए थे, सेल के साथ लगे हुए, लेकिन है तो सीरीज में ही ना, तो इनका जो सम आया है वो इन दोनों के
सम इंडिविजुअल सम के इक्वल आया है, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आया है वो उनके इंडिविजुअल सम के इक्वल आएगा। अगर यहाँ पर तीन सेल और होती तो आप इसको R3 R4 इस तरह से कह देंगे, इसको जो है आप E3 E4 E5 इस तरह से कह देंगे। तो अगर आपकी सीरीज अगर आपकी जो सेल्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका EMF जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से निकाला जाएगा, और उनका जो रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा रिजल्टेंट वो इस तरह से निकाला जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अगर आप इन सेल को देखें तो दोनों जो है एक जैसी लगी हुई, यानी कि इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, फिर इसका नेगेटिव है इसका। अगर इस सेल को आप पलट के लगा दें, मान लीजिए आपने इस सेल को इस तरह से लगा दिया, दोनों के पॉजिटिव एक साइड में हो गए, तो उस केस में E1 अगर पॉजिटिव है तो आपको E2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 - E2। तो आपको देखना होगा सेल का सेम ऑर्डर है सारी सेल का या ऑर्डर डिफरेंट है। जिस भी सेल का ऑर्डर डिफरेंट हो उसका साइन आप बदल दीजिए। रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस जो होता है उस पे जो है साइन का फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव का मसला नहीं है, तो रेजिस्टेंस हमेशा उतना ही रहेगा। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन इसका होगा वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप इन दोनों सेल को पैरेलल में लगा दें तो उनका रिजल्टेंट EMF और उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए तो आपको पता है 1/R1 + 1/R2 होता है, लेकिन रिजल्टेंट EMF कैसे निकालेंगे दो सेल अगर पैरेलल में लगी हैं उसको आप देख लीजिए। अब हमने जो दो सेल हैं आपकी ये पैरेलल में लगा दी हैं, जैसा कि आप जानते हैं पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है लेकिन पोटेंशियल सेम होता है, तो इन दोनों का कंबाइन करके जो एक नया सिस्टम बनेगा तो उसका जो EMF होगा वो आपको बताना है और उनका जो रेजिस्टेंट होगा वो आपको बताना है। वी नो दैट इज इक्वल टू E - IR, देयरफॉर V1 विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ तो V1 नहीं रहेगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है, सो इट विल बी इक्वल टू E1 - I1 R1। दिस कैन बी रिटन एज I1 R1 इज इक्वल टू E1 - V, और यू कैन से I1 विल बी इक्वल टू E1 - V अपॉन R1। इसी तरह से दूसरी सेल का जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू E2 - V अपॉन R2। देयरफॉर द नेट करंट विल बी इक्वल टू I1 + I2, एंड इट विल बी इक्वल टू E1 - V अपॉन R1 + E2 - V अपॉन R2, और यू कैन से E1 - V अपॉन R1 - E2 - V अपॉन R2, और यू कैन राइट इट एज E1 - E2 - V, वी कैन बी टेकन आउट 1/R1 + 1/R2, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज E1 - R2 + E2 - R1 / R1 + R2। ओके, इन दोनों को आपने LCM लेके ऐड कर लिया, इन दो टर्म को ऐड कर लीजिए आप, सो इट विल बी R1 + R2 / R1 × R2। और ऑल्सो यू कैन अरेंज देम लाइक दिस, आप इसको इधर ले आइए, I को इधर ले आइए, सो यू कैन राइट इट एज V R1 + R2 / R1 / R2 = E1 R2। E1 के साथ R2 है, ध्यान रखना कभी E1 R1 लिखते हैं आप, E2 R1 / R1 + R2। सो नहीं, यहाँ पर ये गलती हो गई है, हमसे इसको लिखा जाएगा R1, दोनों का LCM आएगा तो R1 × R2 आएगा -I, जो आपका I था इधर वो इधर आ गया। अब आप V1 को छोड़ के बाकी सबको सबसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये R1 R2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और R1 + R2 नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो यू कैन राइट इट एज V = E1 R2 + E2 R1 / R1 - R2, तो कैंसिल हो जाएगा R1 + R2 - I। यहाँ R1 R2 ऊपर जाएगा R1 R2 / R1 + R2। इफ़ यू कंपेयर दिस
विद द रिजल्ट V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। दोनों को कंबाइन करके कुछ इसी तरह का रिलेशन तो आता है ना। तो आप यहाँ से देखेंगे E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, एंड R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सो और यू कैन से दैट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लो तो R1 प्लस R2 ऊपर जाएगा, R1 R2 नीचे आ जाएगा, उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और पैरेलल में यही होता भी है रेजिस्टेंस, इसका मतलब यह कि आपका ये रिजल्ट ठीक आ गया। इफ़ वी डिवाइड E इक्विवेलेंट टू R इक्विवेलेंट सो इट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए, सो यू विल गेट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये ज़्यादा इजी फार्मूला है याद रखने के लिए। R इक्विवेलेंट पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन से निकाल लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, और फिर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट को रख दो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4 अप टू एन तक आप जा सकते हो उस तरह से। तो ये मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जब तीन टर्म आएंगे तो इस तरह से सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसको याद रखना आसान है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल के बारे में आपको समझ में आ गया, इसको किस तरह से सॉल्व करना है हमें। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सेल।